या देवी सर्वभूते सुमा अस्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नवरात्रि के पांचवें दिन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय तेरी हो अस्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी माधारी। तेरी ज्योत जलाता रहूं, मैं हरदम तुम्हें ध्याता रहूं, हे माँ। अस्कंद माता की पूजा के दौरान मंत्र का उच्चारण शुद्धता से करें, फिर उनको केले या बतासे का भोग लगाएं, उसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ और अस्कंद माता की महिमा का बखान करें और उनकी कथा सुनें। माता की पूजा में पीले या फिर सफ़ेद या फिर सुनहरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माँ का श्रृंगार पीले फूल से करें और माँ को सुनहरे रंग या सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें और पीले फल चढ़ाएं। उन्हें कमल अति प्रिय है, अतः उनके पूजा में कमल का फूल चढ़ाएं। नवरात्रि का पांचवा दिन माता स्कंद माता को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवती के स्कंद माता स्वरूप की उपासना शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि पर विशेष रूप से की जाती है। देवी के इस स्वरूप की आराधना से जहाँ व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वहीं उनके मोक्ष के मार्ग भी सुलभ हो जाते। माँ अस्कंद माता को मातृत्व के रूप में माना जाता है। इस रूप की विधिवत पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और साधक को हर दुख दर्द से छुटकारा मिलने के साथ सुख समृद्धि मिलती है। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की पूजा विधि भोग मंत्र। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता का स्वरूप काफी शुभ माना जाता है। माँ के मनमोहक स्वरूप की बात करें तो चार भुजाएं हैं, जिसमें दो में कमल और एक हाथ में बालक स्वरूप कार्तिकेय जी और चौथे हाथ से आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। माँ कमल में विराजमान रहती हैं और इनके वाहन की बात करें तो सिंह है। पंचांग के अनुसार 7 अक्टूबर 2024 को स्कंद माता की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:40 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। माँ की पूजा में फूल माला सिंदूर कुमकुम अक्षत वस्त्र आदि चढ़ाएं। इसके बाद भोग में केला मिठाई खिलाने के साथ पान का बीड़ा चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर माँ को दुर्गा चालीसा मंत्र के साथ दुर्गा सप्तशती पाठ माता का मंत्र पढ़ें। उसके बाद अंत में आरती करें और कथा सुनें। माँ को पीले रंग की चीज अति प्रिय है, अतः इनको बेसन के लड्डू, केसर की खीर, केला या फिर अन्य पीली मिठाई अर्पित कर सकते हैं। माँ अस्कंद माता के प्रिय फूल की बात करें तो वो कमल है, इसलिए इस दिन माँ के चरणों में कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं। पौराणिक कथा के अनुसार ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। राक्षस ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जन्म लेने वाले हर प्राणी का अंत निश्चित है। यह सुनकर ताड़कासुर निराश हो गया, लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से पुनः वरदान मांगा। उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ऐसा वरदान मांगने के पीछे ताड़कासुर की ये सोच थी कि उसे लगता था भगवान शिव तो कभी विवाह करेंगे नहीं, तो उनका पुत्र ही नहीं होगा, इस तरह वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। वरदान पाते ही उसने लोगों के ऊपर भीषण हिंसा अत्याचार करना शुरू कर दिया। इसके अत्याचारों से लोगों के अंदर एक भय पैदा हो गया। फिर सभी पीड़ित भगवान शिव के पास गए और भगवान से ताड़कासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएं ऐसी प्रार्थना करी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम अस्कंद अर्थात कार्तिकेय था। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र को ताड़कासुर से युद्ध में लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु अस्कंद माता का रूप धारण किया, जिसके बाद अस्कंद यानी कार्तिकेय ने राक्षस ताड़कासुर का वध कर दिया। इस प्रकार अस्कंद यानी कार्तिकेय जी के हाथों से ताड़कासुर का वध हुआ। ये थी देवी के पांचवें स्वरूप स्कंद माता की पावन कथा। पंचमी के दिन भगवती की पूजा करने के बाद केले का भोग लगाएं और ये प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। आज की वीडियो बस यहीं तक के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो और माँ की कथा जरूर पसंद आई होगी। जय माता दी। धन्यवाद।